स्वागत है आपका हिंदी मधुर गीत ज्ञान चैनल में। होली कब है? 2024 24 या 25 मार्च रंग वाली होली तिथि, होलिका दहन तिथि, जाने सही तिथि व शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की परंपरा है। होली की पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। रंगों का ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होते हैं, जिनमें किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आज हम आपको साल 2024 में रंगों के पर्व होली की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, होलिका दहन पूजा विधि, होलाष्टक कब से है और होली पूजन के नियमों के बारे में बताएंगे। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू होते हैं। साल 2024 में होलाष्टक 18 मार्च सोमवार से लेकर 24 मार्च रविवार तक रहेंगे। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान शादी विवाह, वाहन खरीदना या घर खरीदना व अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जबकि होलाष्टक में पूजा पाठ व भगवान का स्मरण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होलिका दहन का शास्त्रोक्त नियम। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला, उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का ही एक दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होती है। दूसरा, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। होलिका दहन 24 मार्च 2024 मुहूर्त का समय। होलिका दहन मुहूर्त 23:15:58 से 24:23:29 तक, अवधि 1:07। भद्रा पुंछा 18:49 से 58 सेकंड से लेकर 20:09:46 तक। भद्रा मुखा 20:09:46 से 22:22:46 तक। होलिका दहन पूजा विधि। पौराणिक कथा अनुसार होली के त्यौहार में होलिका दहन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में ही होना चाहिए। होलिका दहन करने से पहले होली पूजन करें। होली पूजन के शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और फिर माला, रोली, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूँग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाजों में गेहूँ की बालियाँ और 1 लोटे में जल लेकर होलिका के चारों ओर परिक्रमा करें और इस दौरान कच्चा सूत होलिका में पेटते जाएं। परिक्रमा पूरी होने के बाद होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन के नियम। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ही करना शुभ होता है। होलिका दहन के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए, अर्थात उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि जरूर होनी चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन रंग खेलने का विधान है, जिसे सभी के साथ मिलकर अबीर गुलाल के साथ खेलना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।